हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल दैट इज़ डॉक्टर विद्याज मैनेजमेंट स्टडी और आज हम देखने वाले हैं चेंज मैनेजमेंट और इसमें हम देखने वाले हैं द मीनिंग ऑफ चेंज द दाई द चेंज इज़ हैपनिंग ओके एंड द मॉडल डिजाइन बाय द कर्ट लेविन क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो चलो हम देखते हैं इन डिटेल विद द एग्जाम्पल तो सबसे पहले वॉट इज़ मीन बाई चेंज सो चेंज इज़ वॉट चेंज इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ अ कॉन्स्टेंट राइट सो चेंज मतलब क्या अगर हम एग्जाम्पल कंसिडर भी करते हैं तो uh, हम ये बोलेंगे अगर बटरफ्लाई uh, ये कहाँ से आता है कैटरपिलर से सो so, कैटरपिलर से उसकी जो अलग अलग स्टेजेस है लाइक एग्स देन कैटरपिलर प्यूपा आता है ककुन आता है उसके बाद बटरफ्लाई होता है सो सी देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द चेंजेस अगर वो चेंज करता है दैट्स वाई हम एट द एंड एक ब्यूटिफुल बटरफ्लाई देख सकते हैं राइट सो बाई कंसिडरिंग द नेचर जैसे कि हमारे लाइक्स डिसलाइक चेंजेस होते रहते हैं उसमें राइट right? सो कंटेंट लाइक कभी हम जब छोटे होते हैं तब हमारा एम कुछ अलग होता है जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हमारे लाइफ का एम चेंज होते जाता है बाय कंसीडरिंग द प्लेस देखो कि पहले क्लासरूम सेशन होते थे क्लासरूम लेक्चर्स होते थे जो ऑफिस में काम होता था राइट right? बट अभी जो पैंडमिक आने के बाद अब हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स होने लगे हैं एंड वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट आया है सो दिस इज़ नॉट द चेंज हमने उस चेंज को एक्सेप्ट किया है दैट्स वाई वी आर सर्वाइविंग सो चेंज इफ यू डू नॉट चेंज यू कैन बिकम अ मतलब यू विल नॉट बी नो लॉन्गर एग्जिस्टेंस आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे दैट्स वाई चेंज इज रिक्वायर सो चेंज इट इज़ वेरी कॉमन फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन बट उसमें वो कंसिडर होता है कि किस टाइप की आपकी इंडस्ट्री है उसकी साइज़ क्या है उसका एज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन क्या है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी टेक्नोलॉजिकल कंपनी uh, है जिससे फॉर एग्जाम्पल हम पकड़ लेते हैं कि मोबाइल की कंपनी है तो उसमें तो डे टू डे चेंजेस आते हैं राइट right? कुछ अभी एक मॉडल आया तो विद इन टेन फिफ्टीन डेज़ में कुछ नया मॉडल आएगा तो चेंजेज़ रिक्वायर क्योंकि अदरवाइज़ यू विल नॉट सर्वाइव इन द कॉम्पिटिशन राइट सो चेंज इज़ रिक्वायर टू सर्वाइव इन कर थ्रो कॉम्पिटिशन यू नीड टू इम्प्लीमेंट द नेसेसरी चेंजेस टाइम टू टाइम राइट सो नीड ऑफ चेंजेस क्यों आते हैं कि अगर आपका फाइनेंशियल जो भी स्टेटस है वो पुअर है या कस्टमर के कुछ एक्सपेक्टेशन है अगर कस्टमर चाहता है आपके प्रोडक्ट में कुछ इनोवेशन तो चेंज इज़ रिक्वायर या अगर टेक्नोलॉजी चेंजेस होती है तो यू मस्ट नीड टू चेंज सो दिस इज़ वॉट द चेंज इज़ हैपनिंग सी अभी हम आ, चेंज के बारे में इतना बोल रहे हैं चेंज करना ये बोलना बहुत ईजी है बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट तो इसका इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए ये बताने के लिए ये मॉडल उन्होंने बताया है कर्टलेविन ने तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफरेंट फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग ऑन चेंज सबसे पहले कि नेचर ऑफ बिजनेस जो हमने अभी देखा था कि किस टाइप का बिजनेस है राइट right? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या नहीं है उसके बेसिस पे ये चेंज निर्भर होता है या द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन अ प्रोसेस वो लोग कैसे हैं वो इजीली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे नहीं उनकी सोच क्या है वो कैसे बैकग्राउंड से आता है उसके ऊपर भी ये चेंज अफेक्ट होता है एंड लास्ट वन इज वॉट हाउ पीपल परस्यू द चेंजेस उसके ऊपर मतलब वो उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं या निगेटिव ले ले रहे देखो अगर चेंज को आप पॉजिटिव वे से देखते हो तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा एक आपको लगेगा हाँ या कुछ नई अपॉर्चुनिटी है देर इज समथिंग चैलेंजिंग इन माई जॉब अगर ऐसा व्यू है तो दैट इज़ योर पॉजिटिव वे टुअर्ड्स देंज बट अगर निगेटिव वे तो उससे क्या होगा इट क्रिएट अ स्ट्रेस इट क्रिएट अ स्ट्रेस इन यूर लाइफ नॉट ओनली इन अ पर्सनल लाइफ बट ऑल्सो इन प्रोफेशनल लाइफ सो यह इम्पॉर्टेंट होता है कि आप चेंज को कैसे लेते हो तो कर्टलेविन ने यह मॉडल डिजाइन किया है इन नाइनटीन फोर्टी ही हैज डेवलप दिस मॉडल टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस प्रोसेस मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ बदलाव लाना है तो उसकी स्टेजेस क्या है इट इंक्लूड द बेसिकली थ्री स्टेजेस उसमें आता है फ्रीज चेंज एंड रीफ्रीज अनफ्रीज चेंज एंड रीफ्रीज दीज आर द थ्री स्टेजेस ऑफ कर्टलेविन मॉडल तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनफ्रीज ओके तो अनफ्रीज में क्या आता है इट इन्वॉल्व द रेडीनेस एंड विलिंगनेस ऑफ पीपल विच मेक Uh, मतलब क्या होता है कि आपको जब चीज़ ये अनफ्रीज करनी होती है लोगों को बताना होता है कि भाई अगर उनको रेडी करना पड़ता है कि अगर आप चेंज करोगे तो आगे जाके आपको क्या फ़ायदा होगा और वो फोर्सफुली नहीं आप कर सकते आपको उनको विश्वास देना पड़ेगा उनकी विलिंगनेस लेनी पड़ेगी तब जाके वो इस बदलाव के लिए रेडी हो जाएंगे और उनको मेक uh, श्योर sure कि दे शुड रियलाइज़ द नीड ऑफ़ द चेंजेस उसका फ़ायदा क्या है वो आपको पहले बताना पड़ेगा बिकॉज दिस स्टेज इज़ ना दैट्स अनफ्री स्टेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट राइट क्योंकि अलग मतलब आपको अचानक से बोला जाए कि नहीं आपको ये चेंज करना है फॉर एग्जांपल जब ये ऑनलाइन लेक्चर्स शुरू हो रहे थे राइट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक तो आप सभी लोगों के दिमाग में नहीं नहीं ऑनलाइन हम कैसे पढ़ेंगे क्या समझ में आएगा बट नाउ एवरीथिंग लाइक आपके कॉन्फ्रेंसेस है सेमिनार है ये भी वर्कशॉप में कन्वर्ट हो चुके राइट मतलब ये सब ऑनलाइन वेबिनार में इंस्टेड ऑफ सेमिनार अभी वो वेबिनार में हो गया तो कोई भी चीज़ हो नई चीज़ है चेंजेस अगर आने हैं तो वो ईजिली एक्सेप्ट नहीं होता लोगों से वहाँ पे रेजिस्टेंस आता है एंड बिकॉज़ दे फील इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज तो वो एक स्ट्रेस आता है उनके दिमाग में तो आ, पहले हमें क्या करना चाहिए व्हेन ये अनफ्रीज स्टेज में लोगों को मैनेज करना चाहिए उनके उनके जो डाउट्स हैं कंसर्न है उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसको रेमिडेंस देनी चाहिए तो किस तरीके से आप उनको समझाते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट so for that it is required uh, the effective communication this is very important Aap logon ko batana. पड़ेगा कि ये जो चेंज है वो आपको आगे जाके कितने फ़ायदेमंद रहेगा तो उसके लिए जो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट सपोर्ट है ना वो भी लगेगा एक एग्जांपल और देना चाहूँगी अनफ्रीज से रिलेटेड जब कंप्यूटर uh, इंट्रोड्यूस uh, हुआ था इन द ऑर्गेनाइजेशन पहले सब लोग हैंड राइट मतलब सब लिखते थे है ना जो भी कुछ रिकॉर्ड्स है दे यूज़ टू राइट इट विद द हेल्प ऑफ हैंड बट जब कंप्यूटर आया तो उनके दिमाग में ये था अरे ये कैसे चलाएंगे उनके बीच में एक डर था कि शायद अगर कंप्यूटर आएगा तो हमारी जॉब जाएंगे क्योंकि okay, हम जो काम कर रहे हैं वो अभी कंप्यूटर करेगा राइट तो उनको बताया गया कि नहीं ये आने के बाद आपकी जॉब जाएगी नहीं उल्टा आपका काम इजीली हो जाएगा जो आप घंटों तक काम कर रहे हैं विद इन मिनट्स में अभी ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो दैट्स द वे द कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ रिक्वायर्ड टू अनफ्रीज दी दिस फेज नेक्स्ट आता है चेंज ओके इसमें आता है कि अगर देखा जाए तो ये उसको बोला जाएगा कि ट्रांजिशनल चेंज जिसमें एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन होता है एक्चुअली दिस चेंज इट इज़ नॉट इज़ी जो हमने अभी देखा कि एक डर रहता है उनको कुछ नया चीज़ अडॉप्ट करने में थोड़ा सा डर लगता है सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to be careful while uh, plan because planning important है effective communication is required उनको encourage करना चाहिए लोगों को so acceptance of a new way of doing it is the change so change में क्या होता है ये लोग नई चीजें learn करते हैं तो उनका point of view change होता है so यहाँ पे हम देख सकते हैं कि acceptance आ रहा है they are ready to implement सो दिस इज़ वॉट द चेंज एंड द लास्ट स्टेज इज़ द रिफ्रेज स्टेज उसकी को एक्सेप्टेंस हम बोलते हैं ना कि अभी वो स्टेबल हो चुके हैं हमने अभी देखा ट्रांजिशनल चेंज है उन्होंने एक्सेप्ट किया है नाउ दे आर इन अ स्टेबल स्टेज तो क्या हो रहा है कि चेंजेस आर री इनफोर्स एंड स्टेबिलाईज सो दे आर डेवलप द वेज टू सस्टेन द चेंज नाउ इट्स बिकम अ नॉर्मल कल्चर ऑफ डूइंग अवर्ल्ड मतलब अभी उनको आदत हो गई है राइट right? कि कुछ काम है टाइपिंग है तो वो हाथ से नहीं लिखेंगे अभी वो कंप्यूटर का हेल्प लेके ही करेंगे क्योंकि वो इजी होता है हार्डली मतलब उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं, नहीं होती पहले के ज़माने में लेटर लिखते थे बट अभी मेल आ गया तो विद इन अ सेकंड वो कंप्लीट हो जाता है काम सो इन दिस स्टेज दे मस्ट बी नीड रिवॉर्ड उनको रिवॉर्ड देना चाहिए रिकोगगनाइज़ करना चाहिए क्योंकि उन्होंने चेंज किया है जिन लोगों ने इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि उन्होंने वो एक्सेप्ट किया है दैट चेंज एंड वी शुड सिलेब्रेट दैट सक्सेस सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक थ्री फेजिस ऑफ द चेंज मॉडल ये एग्ज़ाम्पल जो हम एक एग्जाम्पल आपको मैं बताने वाली हूँ एक बुक है हु मूड माई चीज़ आई होप कि आप लोगों ने पढ़ी होगी बट जिन्होंने नहीं पढ़ी है प्लीज़ वो बुक पढ़ना उसका एक वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है कि चेंज जो है ओके तो चेंज की जो प्रोसेस है कि आपको जो Uh, जो छोटी छोटी जो चेंजेस है उसको अडाप्ट जल्दी से करना चाहिए लाइक अडाप्ट टू चेंज क्विकली द मतलब जो भी चेंजेस है अगर आप इजी जल्दी करोगे तो आपको uh, वो जो सुनर यू कैन एन्जॉय द न्यू थिंग्स राइट नथिंग स्मॉल चेंज लाइक नोटिस कर लो जो भी स्मॉल चेंज है ना उसको नोटिस करो एंड यू कैन गेट अ बिगर Uh, advantages so this is all about the change management i hope you understand the concept and thank you uh, like karo channel ko share and subscribe karo. thank you bye